तशरीफ रखें, बैठे। थैंक यू जी जनाब। वालेकुम सलाम। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वेरी गुड। मेरा नाम इमरान है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। ये मेरे बिजनेस पार्टनर शम्स साहब हैं और यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त आरिफ मरूम की वालदा और उनकी बहन है। जैसा आप शम्स का रेंटाकार का बिजनेस है और मैंने अपनी एक गाड़ी इनके पास रेंटाकार पे रखवाई थी, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद अब पैसे जमा करके एक गाड़ी खरीदी थी। जैसा उसके बाद मैंने उसी गाड़ी को ड्राइव करा और एक अच्छी आमदनी होने के बाद मैंने पैसे जमा करे और बाद में जाके दूसरी गाड़ी खरीदी और वो भी इनके पास रखवा दी। जैसा मेरा दोस्त आरिफ मरूम, जो कि यूनिवर्सिटी से कुछ टाइम पहले ही पास आउट हुआ था, उसने भी बिजनेस करने का शौक़ था तो उसने भी एक गाड़ी खरीदी अपनी अम्मी से पैसे उधार लेकर के और वो भी शम्स के पास रखवा दी। तीन गाड़ियां शम्स के पास हो गई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा आप आमदनी आपकी एक... दो मेरी और एक मेरे दोस्त आरिफ मरूम की। आरिफ मरूम की जी, जो कि इस दुनिया से चले गए। जैसा आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी, पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे, साथ में शम्स की भी चार गाड़ियां थी जो कि हमसे ज्यादा बड़ी थी, मगर वो बुकिंग पे नहीं जाती थी, इसीलिए ये हमसे हसद भी करने लगे थे और इस कारोबार से अपना दिमाग भी हटाने लगे थे। जैसा आप एक महीने पहले की बात है, हम तीनों बिजनेस पार्टनर शोरूम पे मौजूद थे तो शम्स ने मुझे 20 लाख रुपए दिए और ये कहा कि आप सुबह बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। जैसा आप शाम का टाइम था तो मेरा दोस्त आरिफ भी वहाँ पे मौजूद था, जैसे मैंने आपको बताया आरिफ भी वहाँ मौजूद था, तो आरिफ ने मैंने आरिफ को देखा तो चेहरे से काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। जैसा आप उसकी बहन की शादी उसके सर पे खड़ी थी और उसको पेमेंट करनी थी, तो जैसा आप उसने मुझसे ये कहा कि ये 20 लाख रुपये अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें सुबह वापसी कर दूँगा। जैसा आप एक दोस्त होने के नाते मैंने अपना जिम्मेदारी अदा करी और वो 20 लाख रुपए उसको दे दिए, लेकिन जैसा वहाँ पे शम्स मौजूद था और मैंने शम्स से पूछा कि मैं पैसे दे दूँ तो इसने बोला ये दोनों आप दोस्तों का मामला है, जो दिल चाहे करो, मुझे पैसे वैसे भी सुबह चाहिए मगर जिम्मेदार आप होगे, अपनी जिम्मेदारी पे ये पैसे आप दे सकते हो। जैसा मैंने वो 20 लाख रुपये उसे दे दिए आरिफ को और हम दोनों वो पैसे लेकर के निकले और कैटरिन और हॉल वाले को पेमेंट करते हुए घर घर चले गए। जैसा अब अगले दिन सुबह की बात है, जब मैं शोरूम पे आया तो आरिफ की मेरे पास कॉल आई, इतनी देर में शम्स साहब भी आ गए मेरे पास और कहने लगे भाई पेमेंट कहाँ है, अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुई। जैसा जब आरिफ की कॉल आई तो मैंने पूछा कि आरिफ भाई कहाँ हो, तो कहने लगा मैं बैंक से पैसे निकलवा करके आ रहा हूँ। उस टाइम मैंने शम्स को भी बता दिया कि भाई अभी थोड़ी देर में आ रहे तो पैसे मैं बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ। जैसा जब वो आरिफ की मेरे पास कॉल आई तो उसने मुझसे ये कहा कि मैं पैसे लेकर के आ रहा हूँ, मैंने ये बात शम्स को भी बता दी। जैसा काफ़ी देर गुजर गई थी, आरिफ का कुछ अता पता नहीं था, तो शम्स बार बार आके मुझसे पूछा था भाई क्लाइंट बैठे में पैसे कहाँ हैं, उनको पेमेंट करनी है। तो मैंने आरिफ को कॉल करी, आरिफ ने मुझे ये बताया कि भाई उसके साथ डकैती हो गई, एक हादसा हो गया और वो जा रहे थाने। जैसा मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और मैं भी डायरेक्ट थाने पहुँच गया, शम्स को ये बात जब तक नहीं पता चली थी। जब मैं थाने गया तो आरिफ ने मुझे ये बताया कि डकैत आए और डायरेक्ट साइड कवर में से पैसे निकाल के ले गए। जैसा भी कैसे इतफाक हो सकता है, क्योंकि ये बात सिर्फ शम्स मुझे और आरिफ को बताती कि आरिफ साइड कवर में पैसे रखता है। वाओ। जैसा अब आप बताएंगे कि देखिए 80% जो डकैतियां हैं ये मुखबरी पे हो रही हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा, ये जो डाकू थे वो मुखबर के साथ आए थे, उनको पता था कि आरिफ की साइड कवर में ही पैसे रखे हुए हैं। जैसा मोबाइल और फ्रंट पॉकेट से कुछ भी नहीं रहे, सारे के सारे जो 20 लाख रुपए उसने बैंक से निकलवाए थे वो लिए और निकल गए, चले गए। जी बिल्कुल चले गए। हम दोनों काफी ज्यादा परेशान थे थाने पे, उनको टारगेट दिया गया था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था, लेके चले जाओ यही था। जैसा जब मैं थाने पहुंचा तो ये सारा किस्सा मुझे आरिफ ने बताया, अब मैं भी काफी ज्यादा खौफजदा हो गया था क्योंकि पेमेंट तो करनी थी शम्स को। तो जैसा FIR कटवाई और हम लोग वापसी शोरूम आ गए तो वहाँ पे शम्स भी मौजूद था। अच्छा। शम्स ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं भाई, अभी तक क्यों नहीं डिपॉजिट करवाए। तो आरिफ ने अपनी दास्तान इनको पूरी सुनाई कि मेरे साथ कैसे डकैती हुई, तो इस इंसान ने अपनी आंखें सर पे चढ़ा ली, जैसे कि इंसानियत नाम की इसमें कुछ हो ही नहीं। अच्छा, इसको तो सारी कहानी पता थी ना, इसको सारी कहानी ऑलरेडी पता थी जब इसने अपनी आंखें सर पे चढ़ा ली, ताकि इसको कुछ अदाकारी की ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा। अब इसको बताने के बाद इसने बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहे अभी और इसी वक्त कहीं से भी ला करके दो। मेरा दोस्त आरिफ काफी ज्यादा खौफजदा था। बताया नहीं उसने कि वो डाकू तो अपना कार्ड दे के नहीं गया। नहीं, जैसा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी डाकू अपना कार्ड दे करके नहीं जाता। डाकू ने एड्रेस नहीं बताया। नहीं, जैसा वैसा तो आजकल कराची में इतनी डकैतियां होती है, कौन कुछ बताता है, बस मारते और निकल जाते हैं। जैसा फिर आरिफ ने अपनी एक जो गाड़ी थी उसके पास मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख की उसकी मालियत थी। जैसा उस गाड़ी की चाबी इसको दे दी इंसान को, लेकिन उसने उस वक्त भी चुप नहीं हुआ, उसने बोला ये 5 लाख रुपए आ गए। इंसान वहां भी चुप नहीं हुआ, इसने बोला कि 7 लाख रुपए की गाड़ी जो थी
इसने बेबसी की हालत में सामने वाले को देखते हुए 5 लाख रुपए में अपने पास रख ली और बोला ये 5 लाख तो आ गए, बाकी के 15 लाख भी ला दो भाई। अच्छा, अब हमारे पास तो कुछ था नहीं उस टाइम। तो आरिफ जो था वो अपने घर गया और अपनी अम्मी से पैसे लिए जो उसकी अम्मी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे, जमा करके 2.5 लाख रुपए, और वो ला करके भी इस इंसान को दे दिए। जैसे आप मेरे बैंक में भी 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे, मैं बराबर से बैंक से निकाले और 2.5 लाख रुपए इस इंसान को दे दिए। ऐसे 10 लाख रुपए इसके पूरे हो गए, मगर ये इंसान वहाँ भी चुप नहीं बैठ रहा था। ये बोल रहा था जैसे जैसे आप इसको ये ना हो कि कल तो आनी नहीं हमारी जिंदगी में, ये बोल रहा था जो होगा अभी होगा और इसी वक्त होगा। 10 लाख रुपए आप अभी और इसी वक्त कहीं से भी ला करके दे दो, मुझे पार्टी को देने। जैसे आप वो 10 लाख रुपए तो हम दे नहीं सके, लेकिन आरिफ के काफी ज्यादा बोलने के बाद इंसान ने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। जैसे आप 1 हफ्ता तो गुजरा नहीं, 2-3 दिन बाद की कहानी है, आरिफ के पड़ोसी असलम की मेरे पास कॉल आती है जो हमारे फ्रेंड सर्कल में था। उसने मुझे ये बताया कि भाई घर पे आ जाओ, आरिफ के एक इमरजेंसी हो गई है। उसने मुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो धोना धोना चला हुआ था, मुझे पता चला कि आरिफ ने खुदकुशी कर ली। जस्ट साहब सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से। इसने रोज़ बर रोज़ उसको कॉल करी, प्रेशराइज करता रहा और ये बोलता रहा कि मेरे पैसे मुझे चाहिए। 1 हफ्ते के टाइम देने के बावजूद भी ये चुप नहीं था। जैसे आप उसके पास मेरा बेचारा दोस्त जो आरिफ था, जिनकी वालदा यहाँ बैठी हुई है, उसने तो अपनी गाड़ी भी दे दी, बहन की शादी भी उसके सर पे खड़ी हुई थी, और वो अपनी वालदा यानी अपनी बहन का अकेला कमाने, अपने घर का अकेले कमाने वाला था, वो भी चला गया वहाँ से, कुछ कमा भी नहीं सका। अब जैसे मेरी अदालत से ये मुतालबा है कि मेरे दोस्त को और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि ये इंसान आरिफ के जाने के बाद मेरे ऊपर आ रहा है और बोल रहा है कि मैंने तो उसकी गाड़ी रख ली है, अब भाई अपनी गाड़ी अभी मेरे पास रखवा दो। नहीं 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 जैसे अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो दो गाड़ियां मैंने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद पहले इनकी सुन लूं। बाकी देखें, अभी तक जो आपके कहानी बताई है उसमें आपके खिलाफ जो डकैती 20 लाख की हुई है, जिसमें ये बच्चे की जान चली गई है, आरिफ की खुदकुशी उसने कर ली है, उस डकैती का मरकजी किरदार यही शख्स है। हमारा जो यही शक है कि हमारा हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो ये डकैती वगैरह को समझते हैं कि ये तो रूटीन है और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इतने वाक़यात हुए हैं कि आदमी आया बैंक से, अभी पिछले दिनों भी था, उसने पैसे निकाले, जैसे बाहर निकला कराची में एक और वाक़या भी हुआ था, वो लूटा गया, उसके पता नहीं कितने 60,000 या कितने डॉलर थे उस बेचारे के, सारे ले गए, और वो बाकायदा उसको जो बैंकर था वो गाइड कर रहा था कि इतने बजे आओ, इस तरह से पूरे उसे टाइमिंग कर रहा था। उस टाइम पे वो बंदा पहुंचा, जैसे ही डॉन में बहुत बड़ी खबर आई थी, जैसे वो निकला और आगे डकैत आ गए और ले गए। आरिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मुखबरी हुई थी, क्योंकि साइड कवर में से ऐसे भी कोई पैसे निकाल करके नहीं ले जाता। तो मुझे तो पूरा पूरा शक है कि चोरी करवाने वाला यही इंसान है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती ना, अगर यही बयान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उठा के थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर क्लियर कर देता, क्लियर कर दें तो हमारे कराची का माहौल अच्छा हो जाएगा। जैसा सारा मसला, उसकी जान बच जाती। एक वक्फा लेते हैं बेटा, बड़ा दुख हुआ उसके मरने का, काश उससे पहले हमें मिल लेता, कभी मरने ना देते। वक्फे के बाद शुरू करते हैं। अच्छा भाई, आपने सुनी पूरी कहानी, एक बंदे की जान चली गई, एक के पैसे चले गए, हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम सलाम। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा नाम शम्स है। ये जितनी भी इन्होंने स्टोरी सुनाई है ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, और मैं तो ये बोलूँगा कि ये सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करें और कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिले हुए थे, ये दोनों चोर हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप इनकी जो सुन रहे हैं वो, मुझे तो मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है। कहना ये है कि ये जो पैसे साइड कवर में रखे थे जज साहब, ये तो हो एक इत्तफाक हो सकता है। लेकिन जज साहब ये बात तो सिर्फ मुझे, शम्स को और आरिफ को पता थी। तो ऐसे तो तुम भी चोर हो, ऐसे तो डकैत आके कोई भी साइड कवर से पैसे नहीं ले जाएगा। मोबाइल और पैसे, दूसरे पैसे तो वो लेके नहीं गए जज साहब। ये अगर मैं बोलूंगा तो फिर ये बीच में नहीं बोलेंगे। जी जी हां, प्लीज इनको बोलने दें। असल में मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं कि जिस वक्त मैं किसी की गाड़ी चला रहा था, ये रेंटा कार मुझे गिफ्ट में नहीं मिला। हाँ, ये चार गाड़ियाँ मुझे ऐसे नहीं मिली दरख से, मैंने मेहनत की है। मेरे इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है कि मैंने शुरू में किसी की गाड़ी में चलाता था, मैंने बड़ी मेहनत की है। मैं सुबह 6-6:30 बजे निकलता था, और आपको पता है अगर मैं, आप मेरी राइड हैं, आपके साथ मेरी बुकिंग है, आपने अगर 9 बजे पहुँचना है कहीं मीटिंग में, तो मैं 6 बजे निकलूंगा तो मैं आपको 9 बजे पहुँचेंगे। ठीक है, तो 6 बजे का मतलब ये कि मैं उठता कितने बजे आऊँगा, मैं आपके सोता कितने बजे आऊँगा। तो ऐसे करते करते मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते में अपनी फैमिली से नहीं मिलता था। मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन भाई हैं, और भी बहुत सारे हैं, मेरी मिसेज हैं। तो
आप ये देखें कि मैं सोता कब था, कब उठता था, मेरी मेहनत है उसके पीछे। मैंने एक किसी की गाड़ी चला के मैंने एक गाड़ी बनाई, फिर उसे एक गाड़ी से दो, फिर तीन, फिर ये ऑफिस बनाया, फिर ये सारे ये जो समझ रहे हैं कि मुझे प्लेट में मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मेहनत है उसके पीछे। और इनको बार बार जो मेरी बड़ी गाड़ियाँ दिखती हैं, इनको शायद या तो मेरी पैसे पर मेरी नज़र है, या मेरे बिज़नेस पर मेरी नज़र है इनकी, या मेरी गाड़ियों पर इनकी नज़र है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा ये बात बोल चुके हैं जो अभी आपको भी इन्होंने बताया। तो सारा मसला ये है कि मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए लेके गया हूँ ताकि आपको पता चले कि मुझे कोई प्लेट भी नहीं मिला ये सारा कुछ। दूसरी बात ये कि ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सारा सर बेबुनियाद है और ये झूठ है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे 20 लाख से मतलब है। आप ये देखें कि असल में मैंने गाड़ी बेची, गाड़ी थी तकरीबन 70-80 लाख रुपये की, तो उसका टोकन मुझे मिला, वो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ख़रीदी है। तो उन्होंने जब मुझे आके, ज़ाहरी बात है गेट टुगेदर थी ऑफिस में, मुझे पता ही नहीं चला 5:30-6:30 बज गए, तो जब वो जाने लगे तो मैंने 20 लाख रुपए इनको दिया और मैंने कहा कि ये अकाउंट में जमा करवा देना। अब आप ये इनकी वो देखें, चाल देखें कि ये थोड़ा सा 5-10 कदम आगे गए, ऐसे खुसर पुसर किया और वापस आ गए, कहते हैं यार वो मेरे दोस्त को ज़रूर। अच्छा ये मजबूरी मुझे नहीं समझ आई उसी एट ए टाइम क्यों आई 20 लाख रुपया देख के? देखिए ये मुझे इंटरप्ट ना करें, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब वो आए इन्होंने मुझे कहा कि मेरे दोस्त को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या मैं इनको दे दूं? मैंने कहा भाई मैं आपको जानता हूं, मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं कि ये मेरा दूर का कज़न भी है, तो इसको मेरे हालात पता है और मुझे इसके घर के सारे हालात पता है, और जो ये करतूत करता रहता था वो भी मुझे पता है। तो जब ये इसने मुझे बोला तो मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से काले चोर को दे दो, मुझे हर हालत में सुबह चाहिए क्योंकि मैंने पेमेंट करनी है आगे। मैंने गाड़ी इसी वजह से बेची क्योंकि मैंने आगे पेमेंट करनी थी। तो इन्होंने कहा ठीक है आप बेफिक्र रहें, मेरी ज़िम्मेदारी है। तो भाई जब ज़िम्मेदारी ली है तो फिर आओ बीच में, 20 लाख रुपया कोई हलवा तो नहीं है कि 2000 रुपया के आपको मैं बाद में दे दूँगा या ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इतने में जो है 20 लाख रुपया मुझे नहीं पता इन्होंने उनको दे दिया। मैं अंदर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, तो ये आए, इन्होंने कहा जी हम दोनों जा रहे हैं, हमने कुछ पेमेंटें करनी है, वट एवर, मुझे नहीं पता कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी, कि उसकी बहन की शादी है। मैंने कहा भाई मुझे तफसील ना बताओ, जाओ आप अपना काम करो। ये लोग चले गए। जब ये चले गए तो मैं जब सुबह आया, मेरे और भी बहुत सारे काम थे, मैं आया हूँ सुबह, तो ये भाई साहब बैठे हुए थे, क्योंकि मेरा मेन ऑफिस है, ये बाहर चेयर पर बैठते हैं ये लोग, क्योंकि ऑनर मैं हूँ वहाँ का। तो जब मैं अंदर आया हूँ तो मैंने कहा हाँ भाई इमरान पैसों का क्या हुआ? कहते हैं अभी 10 मिनट में मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है 10 मिनट में मिल जाएंगे। मैं अंदर चला गया, मैंने कहा मेरे लिए चाय भिजवा देना। मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे पार्टी का फ़ोन आ रहा था, भाई क्या हुआ? मैंने इससे पूछा क्या हुआ, कहते 5 मिनट दे दें। तो मुझे थोड़ा बहुत खटका कि कोई ना कुछ पक रहा है, अब ये नहीं पता क्या पक रहा है। जा इतने में जो है वो बाहर आया हूँ मैं दोबारा, ये भाई साहब गायब। इनको मैंने फ़ोन किया, 1, 2, 5, 10 फ़ोन किए, भाई उठा ही नहीं रहे फ़ोन। जैसे आप जब इमरजेंसी हो जाओ और आप थाने पे हो तो आप कॉल उठाने का टाइम कहाँ होगा आपके पास? चले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। जी जी। तो इतने में जो है वो 10-15-20 फ़ोन हो गए, ये भाई फ़ोन ही ना उठाए। आधा एक घंटा मुझे वहाँ पार्टियों को मैंने पता नहीं क्या झूठ बोला, क्या कस्में दी, वो चुप हो गए। उनको मैंने कहा 2 घंटे रुक जाएं, मैं आपको भी पेमेंट करवाता हूँ, क्योंकि मैंने उनको इतनी बड़ी पेमेंट करनी 80 लाख रुपए। तो इतने में जो है ये आए और उसके पीछे वो भाई साहब भी आए, आरिफ जो इनके बेटे हैं और जो इनके बहुत अजीज दोस्त भी ये कहते हैं, वो आए। आए हैं तो इन्होंने मुझे आके स्टोरी सुनाई, जी वो मैं ऐसे बैंक से निकला तो मेरे से छिन गए, तो ये हो गया वो हो गया। अब आप मुझे बताएं, मतलब एक समझदार आदमी की अकल जाती है कि 20 लाख रुपये कोई ऐसे ही कुछ छीन के ले गया? ना कोई मजम्मत, ना कोई मुंह पे निशान, ना कोई बट लगा, ना कोई पत्थर, ना कोई निशान, ना कोई खून। कहते हैं जी 20 लाख ले गए मेरे से। फिर इन्होंने मुझे बोला कि जी वो 20 लाख छिन गए। मैंने कहा बात सुनो, ये मजाक मजाक का टाइम नहीं है, मैंने पार्टी को पैसे देने, मुझे जल्दी करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तुम्हारा मजाक बाद में होता रहेगा। तो वो बीच में आया, उसने कहा जी नहीं वाकई में ये सच बात है, 20 लाख रुपया छिन गए। मैंने कहा बात सुन, दोस्त है तू इसका, मेरा नहीं है, और अभी तुझे 2-3 महीनों में तेरी मैंने गाड़ी लगाई है, आके तू मुझे स्टोरियाँ सुना रहा है, 20 लाख रुपया कोई 20,000 नहीं है, कोई 2,000 नहीं है, 20 लाख रुपये की बात हो रही है। फिर मैंने उसको बोला जिम्मेदारी तूने ली थी, मुझे हर हालत में अभी पैसे चाहिए 20 लाख रुपया। मैं अपनी जगह पे इसलिए राइट हूँ क्योंकि मैंने पार्टीज को पैसे देने हैं, अगर मैं नहीं दूंगा, आपको पता है चेक अगर बाउंस हो जाता है तो 3 महीने की सजा होती है।
ये शायद कल का बच्चा, इसको नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने पीछे मेहनत 3 साल की सजा हो जाती है। तो सर मेरी पीछे एक मेहनत है, इनको क्या पता, ये तो समझ रहे कि हम जाके उनको बोलेंगे शम्स पैसे वाला, वो बोलेगा चलो ठीक है 20 लाख, 20 लाख नहीं है भाई, पैसे कमाए हैं मैंने, यहाँ मेहनत की है मैंने, ये आप लोग समझ जाओगे कि ये ऐसे ही सब कुछ होता, आप जहाँ जिस सीट पर बैठे हैं आपकी पूरी मेहनत है, ये ऐसे थोड़ी आपको बिठा दिया गया। तो इतने में जब मैंने इनको बोला कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, इन्होंने रोने धोने किए, कभी इधर से फ़ोन कराएं, कभी उधर से फ़ोन कराएं, कभी उनकी अम्मी फ़ोन करें, कभी कौन करे, कभी कौन करे। मैंने इनको कहा मुझे मेरे 20 लाख रुपए से मतलब है, मुझे मेरे 20 लाख रुपए आप दे दो, मेरी तरफ से आप जाओ। इतने में वो आया, कहता जी ये 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है, बड़ा भरम दे के कहता ये रख लें। मैंने कहा मेरे भाई अगर मैं आपको मजबूरी में कोई चीज़ दूंगा आप उसका आधा देंगे या पूरा देंगे आप? तो मैंने उनको बोला भाई ये 4 लाख की मैं खरीद सकता हूँ, मतलब 4 लाख आपके कट हो गए, बाकी 16 लाख रुपए आप दे दो। कहते नहीं जी मेरी 8 लाख रुपए की गाड़ी है तो चले ठीक है कुछ और करें। मैंने कहा मैं आखिरी 5 लाख कर सकता हूँ, वो भी इमरान के मुंह पे, 5 लाख आप कट कर दें, बाकी मुझे 15 लाख रुपए आप दे दें, 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ले लें, 2 घंटे ले लें। कहते नहीं जी मुझे 2 हफ्ते, 3 या 1 महीने का टाइम दो। मैंने कहा भाई मैंने आगे पेमेंट करनी है, मुझे हर हालत में टाइम नहीं मैं दे सकता, मुझे पेमेंट करनी है, मैंने मजबूरी में गाड़ी बेची है, मैंने शौक में तो नहीं बेची, वरना कौन बेचता अपनी गाड़ी। तो इन्होंने कहा नहीं जी मुझे कोई भी मैं मतलब आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दें। मैंने कहा 1 महीना नहीं, मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, इससे वो भी बहुत इसका मुंह देख के, क्यों, क्योंकि मेरा एक तो दूर का कज़न है और दूसरा ये मेरे हाथ सामने का बच्चा है, मैंने इसको ये सारा कुछ सिखाया और ये मुझे सिखा रहा है कि मैं कैसे धोखे देता हूँ, या ये मेरा ख्याल मार्केट में अभी अभी आया, मैं इसके जैसे पता नहीं कितने बना के छोड़ चुका हूँ आगे मार्केट में। तो इतने में जो है ये चले गए वहाँ से। अब आप मुझे बताएं कि मैं 20 लाख रुपए के लिए क्या आपके पास आऊं और मैं बोलूं अगर सर मुझे 20 लाख दे दें आप दे देंगे, तो मुझे प्रेशराइज मेरा करना हक है, ये मुझे हर जो है वो लॉ मुझे इजाज़त देता है कि मैं इनको प्रेशराइज करूंगा तो ये मुझे पैसे देंगे, और मुझे सीधा सीधा लगता है ये दोनों मिले हुए थे, ये दोनों चोर है। जैसा ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये आप सच बता रहे, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ना इन्होंने इतना प्रेशर दिया मेरे बेटे को, ये डकैती एक हादसा था, इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है आप खुद बताए। इस पे भी मेरे बेटे ने इसको 5 लाख की गाड़ी बेची, हालांकि वो थी 7-8 लाख की। मेरे बेटे ने बड़ी खून मेहनत की कमाई, मेरे पास जमा पूंजी थी, मैंने वो सारी इनको दे दी मेरे बेटे ने। अल्लाह ताला इस बेटे को सलामत रखे, मेरे बेटे जैसा है इसने, और मेरे पास ये मेरी बेटी की शादी के पैसे जमा थे, वो सारे पैसे कुल मिला के इनको 10 लाख रुपए दे चुके हैं। उसके बाद इसके बावजूद इस शख्स ने हमारा जीना हराम करा हुआ है, हमारा दिन रात एक करा हुआ है, फोन पे फोन करता है, टॉर्चर करता है, मेरी जवान बेटी का साथ है, दरवाजे पे आता है रात को 12-1 बजे आता है, खूब धूम मचाता है, लोगों को जमा करता है। इनको बोलूं कि मेरी 20 लाख रुपए दे दें, हद कर दी इसने, बिल्कुल भी रियायत नहीं करी हमारे साथ। जैसा मेरा वो बेटा था, थक हार गया वो इस बात में, मेरी मेहनत की कमाई थी तभी तो मैं आपको मेरी बेटी की शादी पोस्टपोन हुई इसकी वजह से, मैंने नहीं करवाई, बिल्कुल मुझे मेरे 20 लाख रुपए से मतलब है। उसके बाद उस बेटे ने आपके बेटे को मैं नहीं लेके आया था कि आओ मेरे पास आओ काम करो, इतना बन गए इसके अंदर इंसान के दिखने वाला शरीफ, इंसानियत है तो तभी मैं जब चुप बैठा हूँ 1 हफ्ते से। कार के साथ साथ साइड में प्रॉपर्टी का बिजनेस, अल्लाह का शुक्र है मेरे 2-3 कारोबार है, गंदी नजर थी मेरे कारोबार पे, काफी ज्यादा बिल्डिंग है वहाँ पे खरीदी, अल्लाह का शुक्र है जैसा मेरे पास पैसा है मैंने और दूसरे कारोबार खोले। प्रॉपर्टी में गया तो इसके पार्टनर से और ज्यादा चीट हो गया, तो जब ये वापसी रेंटा कार के बिजनेस में आया तो इसने देखा आरिफ और इमरान दोनों जो नंबर बंदा है कि इसने क्या, मैं बोलता हूँ बारी बारी बात करें। जैसा जब ये वापसी रेंटा कार के बिजनेस में आए तो इन्होंने देखा कि जो इनके बिजनेस पार्टनर है आरिफ और मैं जो मौजूद थे वहाँ पे, इन्होंने देखा कि वो तो बिजनेस सारा टैकल कर रहे हैं और इनके हाथ से सारा बिजनेस जा रहा है, क्योंकि हम दोनों की जो तीनों गाड़ियाँ थी वो रोज बर रोज रेंटा कार पे रेंट पे जा रही थी, मगर इनकी चारों गाड़ियाँ उसी टाइम शोरूम पे खड़ी रहती थी, तो इनके अंदर एक और असर चीज पैदा भी हो रही थी। तो ये चाहते थे कि इन दोनों को हटा करके सारा जो बिजनेस है रेंटा कार का, जो हम लोगों ने भी इनका बहुत ज्यादा शोरूम का नाम रोशन करा, वो ही सारा खुद कर लें। लेकिन जैसा जाहिर सी बात है, ये ऐसे ही बच्चों को घेरते हैं और इसी तरह काम करते हैं, इनका काम इसी तरह का है। आपके बेटे को मैंने नहीं कहा था कि वो आए, वो खुद आया था मेरे पास, आपको उनको हटा देना था, जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि हम चोर हैं, अगर हमने ये सब करा तो आपको चाहिए जब इसने आपको नहीं बताया, आपने क्यों ऐसा करा, आपके अंदर रहमदिली होनी चाहिए थी ना, थोड़ी जब सही कमा रहा था, जब लाख रुपए लेके जा रहा था, जब बहुत अच्छा था, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है बस इनका, तो कुछ नहीं लगते हैं।
तो इनको सारे मेरे घर के मामला भी पता है, इनको ये भी पता है कि मैंने पीछे एक घर भी सेल करा है जिसकी रकम मेरे पास अभी रखी हुई है, और वो चाहते हैं कि मैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन जैसा वो तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है एक चोट तो मैं खा चूंगा, अब दूसरी चोट तो मैं इनकी तरफ से खाऊंगा नहीं। तो जैसा मेरा तो यही मुतालबा है कि जो चोरी करवाई है अदालत को, मैंने जो बताया है पूरा किस्सा, वो चोरी करवाने वाला इंसान यही है, तो करवा नहीं सकता, और अगर मैं करवाता तो मैं केस लेकर के नहीं आता। चोरी तो ये भी बराबर से इसने पैसे लिए हैं, लेकिन है ना ये अभी भी इसका पेट नहीं भर रहा है, ये चाह रहा है कि हम मजीद देते ही चले जाएं, इनको सब कुछ दे दिया है, अब मजीद ये मेरे घर पे प्रेशर करता है, गेट बजाता है, दरवाजे पे आता है, घर में आके बैठ जाता है, चाय की फरमाइश करता है, अजीब अजीब बातें करता है, ये कोई तरीका है इंसान पैसे ले रहा है, ये हम इनके साथ इनको बिल्कुल लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है, मेरी जवान बेटी है, इसकी शादी पोस्टपोन हुई है इस शख्स की वजह से, जो ना कर रहा इसने कम करा है हमारे साथ, बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत जालिम है। अस्सलाम वालेकुम जज साहब जी। बेटा ये इंसान हमारे घर पे पैसों के बहाने आकर बैठ जाता है और मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता है, यहाँ तक कि इसने मेरी अम्मी को ये तक बोला कि मुझे जो है अपनी सरपरस्ती में ले ले, आपके जितने भी पैसे मैं माफ कर दूंगा, आपके हरकत देखें और आपके घर का जितना भी रेंट है माफ कर दूंगा, ऐसी हरकतें करता रहता है। जज साहब मैंने कोई गलत काम तो नहीं बोला ना, मैंने हलाल काम कहा है, मुझे वैसे भी बाहर अगर करनी थी तो मैं अगर इनसे कर लूंगा इनके पैसे भी माफ हो जाएंगे। आप मुझसे कैसे कर लेंगे शादी, तो मुझे मेरे पैसे दो, उम्र देखी है आप, अपनी उम्र देखिए, बात खत्म हो गई। अगर आप पहले शादी कर लेते आपके बच्चे मेरी उम्र के होते आप कैसे शादी कर लेंगे मेरे से, ना मुझे पैसे दे रहे हैं और कभी वो मुझे स्टोरियां सुनाता है, कभी ये स्टोरी सुनाती है। ये मेरे बेटे को खा के रहा, आखिरकार इसने इतना प्रेशर डाला, मैंने खाया वो अपनी हरकतों की वजह से गया, जैसा बिल्कुल ऐसे साथ भी उसका सारा पैसा जो था वो सब हड़प कर लिया, सब कुछ तो खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, अभी और क्या चाह रहा है। अपनी हरकतों की वजह से मरा, मेरी वजह से नहीं मरा। जैसा ये देखे इसकी जलालत देखे, इससे भी ज्यादा की आके हमें, अच्छा आप जैसा मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट, ये शक्ल से लग रहा है शरीफ, ये शरीफ नहीं है, देखिए ये शोर कर रही है, चोर है ना, जो हमेशा जो शोर करता है वो चोर ही होता है। मैं आपसे इसलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे बताएं कि जब ये लोग सुबह आए मेरे पास, ऐसा कौन सा दोस्त है जो 10-15 मिनट में 2.5 लाख रुपए अरेंज कर देता है, ये लेके आया जैसा वो रखे हुए थे बैंक में जो मैंने जमा करके रखे हुए थे गाड़ी के लिए, मुझे इसका मतलब इनकी प्लानिंग थी पहले से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस गरीब को भी नहीं पता था जिसको इसने मरवा दिया, या इसने इतना प्रेशर मुझसे दिलवाया कि वो मर गया, मुझे तो इसकी भी सारी कहानी लगती है। प्रेशर दिया था वरना आप ये देखिए करने वाला ये आरिफ जब जिंदा था तो ये उसको रोज कॉल करके बोलता था भाई मेरे पैसे कहां है, मेरे पैसे प्रेशर डालना मेरा हक था, मुझे कोई भी प्लेट में रख के 20 लाख थोड़ी देता, वो मुझे कॉल करके हर चीज बताता था, मैं तो बेवा हूं, मेरे साथ वो अपनी फैमिली को अकेले सपोर्ट करता था। जैसा आप मुझे ये बताएं के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो उसका बिजनेस करने का एक दिल था, कि तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे ऐसे ऐसे कजन है बिजनेस करता है, मैंने भी अपनी गाड़ी रखवाई, वो जानता था सब कुछ, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई रख लो, मुझे क्या पता था कि इंसान उसके साथ बिजनेस करो ना, दो नंबरियां क्यों कर रहे हो तुम लोग, आप मुझे सिर्फ इतना सा बताएं, सिर्फ मेरा एक इनसे ये सवाल है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें 15-20 मिनट में पहले उसने मुझे गाड़ी की चाबी दी, फिर 2.5 लाख रुपया वो घर से भी लेके आ गया, क्योंकि आपने उस टाइम प्रेशर डाल दिया था, वो ये सिर्फ अपनी चोरी छुपा रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, फिर 2.5 लाख रुपया ये भाई साहब, ये इतने उसके सगे बने हुए, तो भाई अपनी दो गाड़ियां जमा कराओ, ये केस खत्म कराओ, गाड़ियां तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मैं खुद उन गाड़ियों के जो रेंट आता है उसी से मैं घर चलाता हूं, तो मेरे 10 लाख रुपया क्या हराम के थे, मेरे 20 लाख रुपया हराम के थे, इनके हलाल के थे, मैं जानता हूं कि करतूत सारी फैमिली जो इनका बैकग्राउंड है वो मेरा पूरा फैमिली जानती है, मेरा पूरा खानदान जानता है, मुझे भी इनके पता है, फिर किरदार इंसान ये आप मुझे ये बताएं करतूत, तो फिर मुझे भी ऐसा, मैं भी इनके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं कि इनका इनका कोई ना कोई होगा चक्कर, शुरू में सब बहनें होती हैं, तो आप जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं तो आपका जीना हराम कर दूंगा, ऐसे कैसे कर दोगे, ऐसे कैसे इतना है, मेरे हर हालत में 10 लाख रुपए कोर्ट पे बैठी क्या बातें कर रही है, तो भाई मेरे 10 लाख रुपए थे, यही धमकिया इनके घर पे जाकर के भी, धमकिया ना देता तो 10 लाख भी मुझे नहीं मेरे मिलते, जो मेरे 10 लाख रुपए मैंने निकलवाए इनसे, इसी ने जोर दिया था बहुत। जैसा मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, जब ये केस हो गया इन्होंने मुझसे हफ्ते का टाइम ले लिया, तो उसका आना मैंने बंद कर दिया था, ये मेरे पास आ रहा था क्योंकि इससे तो मेरा कोई वो ही नहीं बनता, तो वहाँ बैठे हुए थे तो ये बहुत परेशान था, मैंने पूछा भाई क्या परेशानी है, मसला उसका है, परेशान तू है, क्या चक्कर है, तो इसने बोला जी वो उसकी अम्मी भी परेशान है, बहन भी बहुत परेशान है, तो मैं कुछ चाहता हूँ कि मैं उनके लिए करूँ, तो मैंने कहा भाई तू अपनी दो गाड़ियाँ रखवा और केस ख़त्म करते हैं बस,
कहता है नहीं जी वो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो कि उनका कुछ हो। मैंने कहा भाई तू भी उनसे शादी कर ले, उनकी बेटी से शादी कर ले, उनकी जो हेल्प कर देना, बात खत्म, अल्लाह खैर सलाह। तो इन्होंने कहा नहीं जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ। तो मैंने कहा भाई जब तू कर सकता है, मेरे तो 10 लाख फंसे, मुझे करने दे। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी रिकवरी करवानी है, मैंने एक हलाल काम किया, मैं कोई उनसे गलत तो नहीं ख्वाहिश कर रहा, मैं तो हलाल काम करना चाह रहा हूँ, इससे इनकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी और मेरी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। दिन से खोट था। तो आपके बच्चों की भी तो नियत में खोट था, इतना प्रेशराइज किया कि बाद में इसका रास्ता साफ हो, ये हमारे घर पे पूरी नजर। इनके बच्चों की नियत में कोई खोट नहीं था, मेरे 20 लाख रूपए हड़प कर लिए वो खोट नहीं था, मेरी नियत खोट है। आते ही नहीं भाई शंख साहब, आप रहने दे बस। आप मुझे 20 लाख रूपया, 10 लाख मेरा मिल चुका है, आप फिर 10 लाख मेरा दे दो, बात खत्म हो गई। हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो दे ही नहीं सकते। तो उनको बोले ना जो आपके साथ बैठे हैं, जो आपके मसीहा बने हैं, जो यहाँ तक मुझे लेके आए, जो मेरी वजह से बना है, जब भी तो अदालत में केस लेकर गया और अब तो कमाने वाला मेरा शोहर भी नहीं है। ये शख्स ये आज मेरी वजह से बन के बैठा है और आज मुझे अदालत में लेके आया। ये अगर मैंने कमाया तो मेरे साथ तुमने भी कमाया परसेंटेज पे भाई। बनाने वाला तो मैं ही हूँ ना, बनाने वाले आप, मगर अपनी हिम्मत करके खड़ा होने वाला इंसान मैं खुद हूँ। एक बंदा सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, आगे कुछ नहीं कर सकता। हर कोई मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है, कोई कमाल नहीं करता। अब देखिए इसमें ये है कि आपका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, इनका बड़ा गलत मुतालबा है कि 10 लाख रुपए में लड़की ले लेंगे। ये खरीद रहे हैं लड़की, क्या 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में लड़की नहीं मिलती। अच्छा बात ये भाई, ये कोई वो गुड़िया नहीं है जो शोरूम से जाके आप 10 लाख में लेके आ जाए। जैसा मैंने तो सिर्फ एक इनकी बात के ऊपर मैंने ये बात की, मैंने उसके ऊपर आपको क्लियर बता दूं। देखें बेटा, पहला तो ये है कि जहाँ आपने वो मरहूम ने FIR लिखवाई थी, आपने लिखवाई थी, आप वहाँ जाएं, उस इलाके के SSP से मिलें, ये सारी उनको स्टोरी बताएं ताकि उस केस को रीओपन करें। रीओपन करें तो आपको डाकू मिल जाएगा। कोई हमारी पुलिस बहुत, मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस बहुत एफिशिएंट है, हमारी पुलिस के वो अंडर एस्टिमेट ना करें, ऐसा ऐसा केस सॉल्व कर लेते हैं। आपका तो बड़ा आसान केस है। अब यहाँ तो चूंकि मेरा जज का रोल है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल नहीं है, मैं तो केस की तह तक पहुँच गया हूँ, लेकिन ये काम पुलिस का है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करके आपको डाकू आपके सामने पेश कर देंगे। ना सिर्फ डाकू मिल जाएगा, रिकवरी भी हो जाएगी, आंटी का सारा मसला भी हल हो जाएगा, उस बच्ची का भी मसला हल हो जाएगा, उसकी शादी भी हो जाएगी। और जी ये अभी बेटा आप जाएं इलाके, मैं अभी कोर्ट के बाद ही जाऊंगा वहाँ पे, SSP साहब के पास जाके मिले, उनको सारी कहानी बताएं, दोनों बच्चों को साथ ले जाएं, उनको बताएं कि सर इस तरह डकैती हुई है। वो जिस IO को लगाएंगे, ASI जो भी होगा, सब इंस्पेक्टर, वो ये मसला 2 घंटे में हल कर लेगा। बहुत आसान है, ये कोई मसला नहीं है। और ख़ास तौर पर इसमें जो आखिर में टीप का बंद है कि वो 10 लाख रुपए के ऊपर लड़की मांग रहे हैं, ये जब SSP को बताएंगे फिर देखना SSP साहब को इनको लड़की कैसे देते हैं। उनके पास तो झुरलू होता है ना, तो वो फौरी तौर पे मसला हल कर देंगे। हमारे पास तो फैसला होता है। बहरहाल मैं आपका फैसला भी कर देता हूँ, उसकी वजह यह है, अभी वक्फा लेते हैं, इसके बाद मैं इसको डिसाइड करता हूँ। अच्छा जी, ब्रेक से पहले आपको सुना, अब आप कुछ मजीद इसमें ऐड करना चाहेंगे? इनको आपने सुना है, जैसा आपने बोला वो लड़की के रिश्ते पे बात आ गई है, वो 10 लाख रुपए में रिश्ता ले रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, तो वो जरा आप थोड़ा सा चलें इन सारी बातों को हम साइड पे रख देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे पैसों से मतलब है। आपने जैसे बोला बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इन्वेस्टिगेशन हो, अगर मैं चोर हूँ मुझे सजा मिले कोई मसला नहीं है, पर अगर ये चोर निकला फिर इसको अंदर या इसका कोई और दूसरा चक्कर निकला जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो तो ढूंढ लेंगे ना। देखें, जहां पे या ये अगर ये मुझे यहाँ लेके आया है, देखें आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि 3 आदमियों को पता था जी कि साइड वाले उसमें पैसा, तो जैसा ये क्यों नहीं हो सकता चोर? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अब पुलिस को जब पता चलेगा कि 3 को है पता, बिल्कुल वो आपको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे, इसको भी करेंगे। हमने इतने बेशुमार केस किए हैं जिसमें FIR लिखवाने वाला इंटरोगेशन के दौरान खुद मुल्ज़िम निकलाया। बहुत से हमने बीवी के कातिल देखे कि उन्होंने बीवी कत्ल की घर में, भाग के गए, शोर मचाया, बोला जी वो तो मेरी बीवी को डाकू आए थे घर में मार के चले, पुलिस लेके चली गई, 15 मिनट के बाद वो खुद ही बोल पड़ा कि सर मैंने मारा है, क्योंकि वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि आदमी खुद ही बोलता है। बिल्कुल, ये भी वहाँ जाएंगे, अगर इन्होंने किया है
ये बता देंगे, आपने किया है तो आप बता देंगे। जैसा मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो, लेकिन मैं आप थोड़ा सा आपको भी बता दूं और आप ही के विरासत से मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देता हूं। अब बात यह है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको भी, ये जो आजकल चूँकि महंगाई है और बहुत लोगों के रिसोर्सेज कम हैं, एक दूसरे से उधार लेकर वक्त अपना पास कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, उसके बाद ये वाक़यात जो है बहुत सुनने में आ रहे हैं कि जी वो जाके घर के बाहर ही बैठ गया वो पैसे रिकवर करने के लिए, और वो टीटी लेके घूम रहा है और ये कर रहा है। देखिए मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये जो रिकवरी के लिए बेसिकली ये सिविल सूट है, अगर इनके 10 लाख रुपए आपकी तरफ निकलते हैं क्लियर तो ये रिकवरी का सिविल सूट फाइल करें और इनका बनता होगा तो इनको मिल जाएंगे और डिग्री मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं बनता तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि यहाँ के आके घर बैठ जाएं आपके, आपकी बेटी के ऊपर बुरी नज़रें डालें और उस चक्कर में आपको बोलें कि चाय पिलाओ और मैं इस काम के लिए आया हूँ पैसे लेने के लिए। जैसा पिछले कुछ दिनों से तो मैं गया ही नहीं हूँ, वरना रिश्ता लेके जाऊंगा। सुने ना आप जी, आप मैं तो कुछ दिनों से गया ही नहीं हूँ, ये अगर शख्स मुझे लेके आया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि अभी इसको सोए हुए क्या ऐसा याद आया कि ये लेके आया। आप ये देखें कि इनकी खौफ में आ गए ना आपके। नहीं नहीं, कौन सा खौफ जैसा आप आगे दे देखें, आपने कहा 10 लाख में लड़की दे दो। जैसा आप ये देखें, मैं सिर्फ एक होनी चाहिए जो 10 लाख रुपए में लड़की खरीदे, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा आपका। जैसा मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा आपका। आप ये देखें कि मैं 10 दिन पहले गया था, हाँ। मैं कल 8 दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि आप इसी में जा रहे, जैसे आपको वो बताया कि आपको मोहल्ले वालों ने गंदा करा है वहाँ पे, मोहल्ले वालों ने मारकर चार बाहर निकाला है, इन्होंने चार बंदे वहाँ खड़े किए हैं, ये जो शराफत का भूत, आधी आधी रात को परेशान करेंगे तो मोहल्ले वाले तो आएंगे बचाने, ये जो शरीफ बने हुए आप ये देखें, कोई बंदा वंदा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप एक वकील एंगेज करके उनको ये सारा वाकया बताए, वो आपको सिविल जज के पास से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेके देंगे कि ये हरासमेंट कर रहे हैं, रात दिन आपके घर पैसे मांगने आते हैं, कोर्ट उसमें रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करेगा और कि ये आपके ना घर आ सकते हैं, ना टेलीफोन कर सकते हैं, ना घंटी बजा सकते हैं। जो इन्होंने पैसा लेना है अदालत में आए, रिकवरी सूट फाइल करें, बनते होंगे अदालत डिग्री दे देगी, नहीं बनते होंगे डिसमिस कर देगी, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तो ये मैं सब लोगों को इन्हीं के वसात से ये पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहा हूँ कि अगर कोई आपको पैसे रिकवरी के लिए इस तरह से हरास कर रहा है, आप फौरी तौर पे सिविल कोर्ट में एक वकील के ज़रिए सूट फाइल करें, उसमें रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लें कि वो आदमी ना आपके घर आए, ना आपको टेलीफोन करे, ना आपको धमकियां दे, वैसे तो धमकियां दे तो क्रिमिनल केस भी बनता है, आप 22A के तहत FIR भी कटवा सकते हैं कि आदमी हमें धमकियां दे रहा है। और ये तो ख़ास तौर पर जो लड़की कह रहे हैं कि मुझे इसका रिश्ता ही दे दो, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मेरे 20 लाख रुपए कहाँ गए फिर? शोरूम समेत उठा ले। मैं अपने 20 लाख किससे लूं फिर? मैं ये पुलिस से लें, आप पुलिस को दिलाएंगे? पुलिस नहीं, ये शख्स बैठा हुआ है जिसने जिम्मेदारी ली है सर, वो तो बाद में है ना जिम्मेदारी, ये तो जब आपको उठाएंगे तो पुलिस को आप देकर आएंगे उल्टा। आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, मुझे कोई मसला नहीं, अगर मैं चोर हूंगा तो मैं होगा। 20 लाख रुपए हमारे पास थोड़ी ना आपकी जेब में गए, चोरी अगर आपने करवाई तो 20 लाख रुपए आपके पास है, वैसे तो आप चोर हो, गाड़ी भी आपके पास, मेरे 2.5 लाख भी इनके पास, जो बहन की शादी के 2.5 लाख थे वो इनके पास। देखें अब बात प्रॉफिट में नहीं जाने जज साहब, बेटा ये सिंपल रिकवरी का सूट है और हरासमेंट का केस है, इनकी तरफ से हरासमेंट है पैसे रिकवर करने के लिए, उनका किरदार ही है। और पैसों के बदले में लड़की मांग रहे हैं, ये हर जगह जाकर के मुंह मारते हैं क्योंकि इनकी जो पहली शादी हुई है वहां से उनका कोई भी बच्चा नहीं है, तो इनकी बीवी भी इनको मुंह नहीं लगाती, ये घर में भी इतना टाइम नहीं रहते, बस ये चांस बनाने में लगे रहते हैं जहाँ इनको मौका मिल जाए। तो अब मेरे दोस्त बताएं जो इनको मौका यहाँ मिल गया, पैसे मौका नहीं मिलता ना मिलने देते हैं हम। आप ऐसा करें कि जिस तरह मैंने आपको बताया, एक दरखास्त बना के जो इलाके के SSP साहब हैं उनके पास चले जाएं, बहन आप भी चली जाएं, बेटी आप भी चली जाएं, SSP साहब आपको सुनेंगे और किसी मार्क कर देंगे SI को, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बनता होगा तो FIR भी काट देगा और आपके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे, काम से ही हो जाएगा और दोबारा ये आपके घर का रुख नहीं करेगा, ठीक है। अदालत बर्खास्त।